Hello my beautiful YouTube family, welcome and welcome back to my YouTube channel. तो first of all I would like to thank you each and every one of you. हमने I think काफ़ी quickly अपना 8K वाला milestone अचीव कर लिया है and we are targeting for 10K. So I hope जल्दी से 10K subscribers भी हो जाए. उसके बाद we will be doing a huge giveaway. So उसके बारे में details I will post जब we reach our 10K milestone. उसके अलावा so speaking of our today's agenda, आज हम करने वाले हैं मीशो फेस्टिव वेयर सूट सेट हॉल. तो as we all know कि रक्षाबंधन आने वाला है अभी कुछ ही दिनों में, तो मैंने काफ़ी सारे मीशो से फेस्टिव वेयर के स्पेसिफिकली ही काफ़ी सारे सूट सेट ऑर्डर किए हैं. तो आज मैं इन सबको ट्राई करके पोस्ट करने वाली हूँ एंड आई विल बी डूइंग देयर रिव्यू ऑल्सो. उसके अलावा आई विल बी शेयरिंग कि वेदर दे आर वर्थ द परचेज और नॉट. एंड फील फ्री टू कॉमेंट कि आपको कौन सा वाला सूट सेट सबसे ज़्यादा पसंद आया एंड विच वन शुड आई कीप फॉर माई सेल्फ और मुझे कौन सा रिटर्न कर देनी चाहिए. सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. सो जो पहला सूट मैंने ऑर्डर किया है, मैं यहाँ पे पिक्चर लगा रही हूँ कि वो मीशो ऐप पे कैसा दिखाया हुआ था एंड व्हाट आई हैव रिसीव्ड. ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था ये वाला सूट, तो ये मैंने ऑर्डर किया. एक इंस्टाग्राम के भी काफ़ी सारे स्टोर्स थे जो इसको सेल कर रहे थे, सो आई ऑर्डर दिस वन एंड मुझे काफ़ी सुंदर लगा. ये थोड़ा पाकिस्तानी स्टाइल का सूट है और इस पर ये फ्रंट में काफ़ी सुंदर एम्ब्रॉयडरी कर रखी है एंड नीचे यू नो ये जैसा नायरा कट वाला सूट होता था ये वैसा सा है. इसके साइड में आप नीचे भी देखोगे ना तो ये काफ़ी सुंदर सी एम्ब्रॉयडरी कर रखी है. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द स्लीव्स, तो इसकी स्लीव्स पे भी ये काफ़ी सुंदर सी ये वाली एम्ब्रॉयडरी आ रखी है. बट मुझे जो इसमें एक चीज़ फील हुई ना कि जो इसकी स्टिचिंग है वो थोड़ी सी प्रॉपर नहीं हो रखी है, बिकॉज मुझे राइट वाली स्लीव तो प्रॉपर ठीक से आ रही थी बट आई थिंक लेफ़्ट वाली स्लीव ना थोड़ा सा ऊपर है. मतलब स्लीव्स की लेंथ परफेक्ट नहीं है, ऊपर नीचे है थोड़ा स्लीव्स में. तो बट इफ़ आई टॉक अबाउट द फैब्रिक, सो ये फैब्रिक है जॉर्जेट एंड इट इज़ सॉफ्ट जॉर्जेट. तो ऐसा नहीं है कि वो जो जॉर्जेट रहता है जो थोड़ा खड़ा खड़ा सा होता है और वो थोड़ा हार्ड हार्ड टाइप्स होता है, वैसा नहीं है, सॉफ्ट जॉर्जेट है. एंड इसका प्राइस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी एंड यू कैन सी कि ये मुझ पर कैसा लग रहा है. आई एम अटैचिंग द वीडियो साइड में. तो आई बिलीव ओवरऑल इफ आई वुड लाइक टू रेट दिस वन, सो इट इज़ 8 out of 10. सो इट इज़ नॉट बैड डिज़ाइन के हिसाब से और बाकी चीज़ों के हिसाब से इट इज़ वर्थ द डील. और इसके साथ काफ़ी सुंदर सा ये दुपट्टा आया है जिस पे पूरी दुपट्टे पे ये फ्लावर्स वाली एम्ब्रॉयडरी हो रखी है. सो यू कैन सी क्लोजली एंड ये साइड में ये कटआउट वाला काम दिया हुआ है जिस पे पूरे पे ऐसे ये आई थिंक थोड़ी ग्रे कलर की एम्ब्रॉयडरी हो रखी है एंड आई रियली लव दिस दुपट्टा. मुझे बहुत सुंदर लगा इसका ये दुपट्टा. सो आई थिंक मेरे हिसाब से आई शुड कीप दिस वन, दिस इज़ वेरी प्रिटी एंड आई कैन स्टाइल दिस इन ऑफिस. अब भी कोई भी अगर मेरा कैजुअल सा कोई लंच है, अगर मैं कहीं फैमिली के साथ डिनर पे जा रही हूँ या फिर कोई पूजा के लिए या कोई भी फेस्टिवल के लिए, आई कैन ईजिली स्टाइल दिस प्रिटी सा सूट. ओके सो मूविंग अहेड टू आवर नेक्स्ट सूट विच इज़ दिस वन. लेट मी ओपन दिस. सो ये सूट है वेलवेट का और ये आप फोटो में देखोगे तो आई थिंक मोनी रॉय वॉज स्पॉटेड वेयरिंग दिस सूट. सो आई थॉट कि एक बार ट्राई करके देखते हैं कैसा रहता है. तो बट जब मैंने इसको ऑर्डर किया एंड व्हेन आई गॉट इट आई एब्सोल्युटली लव जिस तरीके से इसका फिट आ रहा है एंड आई थिंक ये ना फ्री साइज़ में है. इसमें ऐसा साइज़ का कुछ वो नहीं था कि स्मॉल मीडियम कुछ, तो इट इज़ फ्री साइज़. तो मुझे इसमें आई डोंट थिंक कि मुझे ना इसमें कुछ फिटिंग वगैरह कराने की भी ज़रूरत है बिकॉज आई थिंक इसका जो प्रॉपर फिट है वो ऐसा लूज़ लूज़ ही काफ़ी सुंदर लग रहा है. इसका नेक पे यू कैन सी कि ऐसी सीक्वेंस का थोड़ा थोड़ा काम दे रखा है. इसकी स्लीव्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, ऐसे स्लीव्स पे यहाँ
यहाँ वाली साइड में भी थोड़ा काम है एंड नीचे ये थोड़ा बलून स्लीव्स टाइप वाला काम दिया हुआ है और तो आई रियली लव इसकी स्लीव्स। बाकी ये ए लाइन है साइड में, देयर इज दिस नो कट, पूरा ए लाइन स्ट्रक्चर है इस सूट का। एंड इसके साथ जो इसका ट्राउज़र आया है, इस ट्राउज़र में द बेस्ट पार्ट इज़ कि इसमें ये साइड में ना ये ऐसा डिज़ाइनर सा कट दे रखा है, तो ये जो डिज़ाइनर सूट का ये जो रेप्लिका बनाया हुआ है ये बिल्कुल डिट्टो रेप्लिका बना रखा है। मतलब ईच एंड एवरी थिंग, ईच एंड एवरी डिटेल काफ़ी बारीकी से कैप्चर हो रखी है। तो आई रियली लव कि ऐसा ये जो डिज़ाइनर सा इन्होंने ट्राउज़र पे काम दिया हुआ है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस सूट इज़ इसका दुपट्टा। ये है ऑर्गेन्जा का दुपट्टा जिस पे ये एम्ब्रॉयडरी वाला काम दे रखा है। एंड इसका कलर सूट के कलर से हल्का सा लाइट ब्लू है। एंड ये जो कॉम्बिनेशन साथ में लग रहा है ना सूट का और दुपट्टे का, वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो इट इज़ एब्सोल्युटली अ 10/10 डिज़ाइन के हिसाब से, फैब्रिक के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा वाला वेलवेट का फैब्रिक है, इट इज़ नॉट दैट चीप। तो फैब्रिक के हिसाब से भी इट इज़ अ 10/10। तो ओवरऑल मतलब आप मुझे कमेंट करके बताना कि मुझे ये वाला सूट रखना चाहिए या नहीं। ऑल्दो आई थिंक कि इसको हम विंटर्स में ज़्यादा इजीली स्टाइल कर सकते हैं, बिकॉज समर्स में वेलवेट इतना इजीली कैरी नहीं हो पाएगा। बट हाँ, अगर एक घंटे के लिए पहनना है तो यू कैन जस्ट वेयर इट और फोटोज़ वगैरह क्लिक करा के जस्ट चेंज और कुछ और पहन लेना। बट आई थिंक आई शुड कीप दिस वन। आप मुझे कमेंट करके बताना कि मुझे ये रखना चाहिए या ये रिटर्न कर देना चाहिए। बट मैं इसको रखना चाहती हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा पॉजिटिव कमेंट्स करना। सो अपने नेक्स्ट सूट की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो जो नेक्स्ट सूट मैंने ऑर्डर किया है वो ये वाला है। मैं यहाँ साइड में आप देख पा रहे होंगे कि ये मीशो ऐप पे कैसा दिखा रखा था। एंड लेट्स ओपन इट। सो ये जो सूट है ना, ये गाउन टाइप है, मतलब इट्स अ गाउन, और लेकिन गाउन विद अ दुपट्टा। सो यू कैन सी कि साइड में मैं फ़ोटो अटैच कर रही हूँ, इसमें आप देख सकते हो कि ये मुझ पर कैसा लग रहा है। मैंने इसमें एम साइज़ ऑर्डर किया, बट ये एम साइज़ के हिसाब से थोड़ा सा लूज़ है मेरे को, तो आई थिंक मुझे स्मॉल साइज़ ऑर्डर करना चाहिए था। एंड इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो स्लीव्स है ना इसकी, दीज आर फुल, और स्लीव्स के एंड में ये गोटा पट्टी वाला काम दिया हुआ है। और पूरा सूट तो ऑल्दो पूरा सिंपल है, नीचे भी ये गोटा पट्टी वाला काम दे रखा है। सूट के अंदर जो इन्होंने फैब्रिक लगा रखा है अस्तर टाइप, ये आई थिंक थोड़ा जॉर्जेट, थोड़ा सा सिल्क या सैटिन सिल्क जैसा सा कुछ है ये। आई एम नॉट श्योर अबाउट द फैब्रिक एग्जैक्टली, बट इसमें ये जो हमारा जो चेस्ट वाला पार्ट होता है, यहाँ पे इन्होंने पैडिंग भी दे रखी है। सो यू कैन सी कि ये पैडेड है। तो ये आप अपना जो आपका ट्रू साइज़ होता है वही ऑर्डर करना। मैंने एक साइज़ बड़ा इसलिए ऑर्डर किया था कि कभी कभी होता है कि थोड़ा सा टाइट रह जाता है, तो थोड़ा सा टाइट कपड़े पहनने की इतनी ज़्यादा आदत नहीं है मुझे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा ऑर्डर किया था। इवन दो इसमें साइड में ना ऐसे ज़िप भी दे रखी है, तो इसको अपने साइज़ के हिसाब से ही ऑर्डर करना। अदरवाइज़ ये जो कप्स की फ़िटिंग है ये आपको ठीक से नहीं आ पाएगी। सो दिस इज़ द वन टिप विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द दुपट्टा, तो इन्होंने ब्लैक एंड गोल्डन का जो कॉन्ट्रास्ट दे रखा है, इट इज़ लुकिंग वेरी रिच। तो आप यहाँ साइड में वीडियो में भी देख सकते हो कि ये दुपट्टा इज़ कंप्लीटिंग द लुक ऑफ दिस सूट। एंड ये जो दुपट्टे पे साइड में बॉर्डर पे जो ये गोल्डन कलर की एम्ब्रॉयडरी वाला काम हो रखा है, इट इज़ लुकिंग वेरी प्रिटी। सो ओवरऑल इफ़ आई वुड लाइक टू रेट इट ऑन द बेसिस ऑफ लुक्स, सो आई थिंक इट इज़ डेफिनेटली अ 9/10। बट अगर मुझे इसके फिटिंग के हिसाब से इसे रेट करना हो, सो इट इज़ अ 7/10 जस्ट बिकॉज ऑफ द थोड़ा सा इट इज़ रनिंग वन साइज बिगर। सो या बाकी ओवरऑल फैब्रिक के हिसाब से भी इट इज़ अ 9/10।
सो अगर आपको गाउन टाइप के जो सूट होते हैं वो पहनना पसंद है सो इस रक्षाबंधन पे यू कैन डेफिनेटली वेयर दिस वन. रक्षाबंधन के अलावा भी आप इसको कोई भी जो फैमिली फंक्शंस होते हैं या कुछ भी बर्थडे पार्टीज या कुछ भी ऐसा फंक्शन होता है यू कैन ईजिली कैरी दिस वन. और ये ना तो ज़्यादा एक्स्ट्रा लगेगा और ना ज़्यादा कम लगेगा. सो इट इज़ अ परफेक्ट सूट फॉर एवरी ओकेजन. सो क्या सो द नेक्स्ट पेयर ऑफ सूट विच आई हैव गॉट इज दिस ब्यूटिफुल सा चिकनकारी वाला कुर्ता सूट सेट. एंड जो मुझे इस सूट सेट की जो बेस्ट चीज़ लगी ना वो था इसका कलर. सो मुझे पर्सनली ये जो थोड़े न्यूड और जो पेस्टल टोन में जो कलर्स होते हैं ना मुझे वो बहुत सुंदर लगते हैं. एंड इस पर आप देखोगे ना इतना सुंदर चिकनकारी का काम हो रखा है एंड ये ऐसे स्टोन्स भी लग रखे हैं. इसकी स्लीव्स पे भी सेम स्टोन वाला काम है एंड इवन बैक साइड पे भी ऐसा थोड़ा थोड़ा ये स्टोन्स और ये सब वाला काम हो रखा है. बट जो मुझे एक चीज़ जो अच्छी नहीं लगी इसकी वो ये थी कि इट डज़ नॉट कम्स इन विद एन इनर. तो इसके लिए आपको एक इनर खुद ही से परचेज़ करना पड़ेगा. अगर मैं इसके बॉटम वेयर की बात करूँ तो बॉटम वेयर पे भी नीचे ऐसे जो एंड्स में ये काम जो शरारे पे ये ऐसे स्टोन वाला ही और चिकनकारी वाला ही काम दिया हुआ है. सो कलर के हिसाब से लुक्स के हिसाब से इसमें येस वन मोर थिंग ये ना डबल शेडेड वाला है तो ऊपर ये हल्का सा पिंकिश है और नीचे ये थोड़ा सा अलग वाला पिंक वाला शेड आ गया इसमें. तो मुझे तो पर्सनली ऐसे कलर बहुत पसंद है. ऑल्दो मेरी मम्मा को ये सब कलर ज़्यादा खास नहीं लगते उन्हें थोड़े पुराने पुराने से लगते हैं बट मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है ऐसे वाले कलर्स. तो अगर मुझे इस सूट को इसके लुक के हिसाब से रेट करना हो तो नो डाउट इट इज़ अ 10/10. बट अगर मुझे इसकी क्वालिटी और बाकी चीज़ों के हिसाब से रेट करना हो सो इट इज़ अ 8/10 जस्ट बिकॉज कि जो इसके जो ये स्टोन्स लग रखे हैं ना ये कुछ कुछ तो उतरे हुए ही आए थे. बाकी जो कुछ कुछ है ये इनकी पेस्टिंग में थोड़ा सा इशू है बट जैसे ये देखोगे ना अगर आप तो ये अभी बस उतरने ही वाला है. एक बार और पहनूंगी ना इसको तो ये उतर जाएगा. तो बट ठीक है आप यू कैन बाय अ ग्लू जो फैब्रिक ग्लू होती है उससे यू कैन जस्ट पेस्ट देम अगर ये निकल जाए तो. बाकी तो आई थिंक इट इज़ अ गुड परचेज़. हाँ मुझे इसके लिए इनर ख़रीदना पड़ेगा या फिर आई कैन गो विद एनीथिंग विच इज़ ऑफ सेम कलर इनर में देन ओनली आई कैन स्टाइल इट. ऑल्सो इसके साथ देर इज़ नो दुपट्टा तो इफ़ यू आर समवन जो सूट के साथ दुपट्टा कैरी करते हैं तो आइदर यू कैन वेयर समथिंग सिमिलर अगर आपके पास कोई सेम दुपट्टा हो तो. अदरवाइज आपको दुपट्टा अलग से ख़रीदना पड़ेगा बिकॉज दिस वन डज नॉट कम्स अप विद अ दुपट्टा. सो मुझे कमेंट करके बताना कि वेदर यू गाइज आर ऑल्सो फैन ऑफ सच काइंड ऑफ कलर्स या फिर मुझे कोई और कलर ऑर्डर करना चाहिए था. इसमें 2-4 कलर और थे मैं यहाँ स्क्रीन पर अटैच कर दूँगी कि इसमें कौन से कलर ऑप्शन और हैं. आई थिंक एक तो ब्लू कलर था वो भी काफ़ी सुंदर लग रहा था बट ठीक है अगर मुझे काफ़ी सारे ऑप्शंस में से पेस्टल कलर्स का ऑप्शन दोगे तो आई विल ऑलवेज गो विद द पेस्टल शेड्स. सो यस. सो जो मैंने अगला सूट ऑर्डर किया है वो है एक ऑफ वाइट कलर का शरारा सेट. आई थिंक आप लोगों ने वो ऑलरेडी काफ़ी सारे और पेजेस पे देख लिया होगा. काफ़ी सारे और जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं दे ऑल हैव काइंड ऑफ पोस्टेड दिस वन. बट ये मैंने काफ़ी पहले ख़रीदा था सो एंड आई थिंक दिस इज़ स्टिल अवेलेबल ऑन मीशो एंड मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है जस्ट बिकॉज ऑफ द कलर. एक तो ये ऑफ वाइट कलर का है एंड सेकेंडली इस पर जो ये काम करा हुआ है ना ये बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ज़्यादा बारीकी वाला काम किया हुआ है. चिकनकारी प्लस सीक्वेंस वाला काम गोल्डन सीक्वेंस वाला जो इसमें काम दे रखा है और ये जो थोड़ा थोड़ा आई थिंक इसको जरी वाला वर्क बोलते हैं तो ये भी उन्होंने इस पर किया हुआ है. एंड ये जो साइड्स में ये जो क्रिस क्रॉस वाली जो डोरी लगाई होती है साइड से टाइट करने के लिए ये भी काफ़ी सुंदर लग रही हैं. एंड इसके नीचे ये है शरारा सेट. सो आई कैन शो यू ये नीचे ये शरारा सेट है इसके एंड इसका फैब्रिक है जॉर्जेट. अगेन सॉफ्ट जॉर्जेट बेकार वाला जॉर्जेट नहीं है ये
ऑल्सो इसके साथ जो दुपट्टा आया है, इसका दुपट्टा थोड़ा सा छोटा है एंड विड्थ में भी थोड़ा सा कम है एज़ कम्पेयर टू द यूजुअल दुपट्टाज विच वी कैरी. तो आई बिलीव कि इसके दुपट्टे पे भी थोड़ा सा कुछ और वर्क हो सकता था, जैसे कि प्रीवियस हमारे जितने भी सूट थे उन सबके दुपट्टा पे कुछ ना कुछ काम था. तो अगर इस पे भी होता तो इट वुड हैव बीन रियली ग्रेट. अदरवाइज़ मेरे हिसाब से, लुक के हिसाब से, इट इज़ अ कम्प्लीट 10/10 एंड फैब्रिक के हिसाब से भी इट इज़ अ 10/10 एंड फिटिंग के हिसाब से आई थिंक इट इज़ अ 9/10 क्योंकि मैंने इसमें स्मॉल साइज ऑर्डर किया है एंड मुझे ये आई थिंक हल्का सा ऊपर से टाइट है और नीचे से भी इसकी थोड़ी डिफरेंट सी फिटिंग आ रही थी, इसलिए मैंने अपने टेलर से इसको थोड़ा सा फिट कराया. तो मैंने बैक साइड में ये दो लाइंस डलवा दी थी फिटिंग के लिए ताकि थोड़ा सा फ्रंट से इसकी फिटिंग अच्छी लगे. तो यस, फिटिंग के हिसाब से इट इज़ अ 9/10. अदरवाइज़ आई थिंक फेस्टिव वेयर के लिए इट इज़ अ बेस्ट परचेज एंड इवन यू कैन कैरी दिस इन एनी वेडिंग फंक्शन, इन एनी इंगेजमेंट फंक्शन और कोई भी अगर फेस्टिवल से रिलेटेड कुछ भी होता है तो यू कैन ईजिली कैरी दिस वन. तो ये काफ़ी सिंपल, सोबर येट क्लासी पीस है. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सो जो आखिरी सूट मैंने ऑर्डर किया है वो है ये वाला जो मैंने अभी पहना हुआ है. साइड में आई एम अटैचिंग अ वीडियो, यू कैन सी कि ओवरऑल इसकी लुक कैसी आ रही है. एंड ये भी आई थिंक कोई डिज़ाइनर सूट का रेप्लिका क्रिएट किया गया था. तो इसका अगर मैं इसकी क्वालिटी के हिसाब से बताऊँ ना तो इट इज़ अ कम्प्लीट 10/10 क्योंकि ये सॉफ्ट जॉर्जेट है अगेन एंड इसके जो दुपट्टे पे काम दिया हुआ है एंड नीचे अगर आप ये देखोगे ना इसमें तो ये आगे से थोड़ा डिफरेंट एसिमेट्रिक कट है एंड इवन इसका जो प्लाज़ो है, इसका प्लाज़ो का भी वो कट थोड़ा सा एसिमेट्रिक टाइप है. एंड मुझे ये कलर और इस पे जो ये सिल्वर कलर की एम्ब्रॉयडरी हो रखी है एंड ये जो सीक्वेंस लगा रखे हैं मुझे बहुत सुंदर लगा. तो क्वालिटी के हिसाब से भी 10/10 एंड लुक के हिसाब से तो आई थिंक 10 भी कम है इस सूट के लिए. एंड इट इज़ अ परफेक्ट सूट फॉर रक्षाबंधन, फॉर एनी अदर फेस्टिवल विच इज़ अप्रोचिंग नियर बाय. सो आई थिंक ये प्राइस के हिसाब से भी इट इज़ वर्थ द परचेज. आप मुझे कमेंट करके बताना कि वेदर यू लाइक दिस सूट और नॉट. सो दैट्स इट फॉर टुडेज ब्लॉग एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब एंड मुझे कमेंट करके बताना कि इस सब में से विच वन इज़ योर फेवरेट. एंड सो एज आई टोल्ड यू कि मैं ऐसा गिव अवे प्लान कर रही हूँ, तो अगर मुझे इन सब में से ये गाउन वाले सूट का गिव अवे करना हो तो प्लीज़ डू टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू विल बी इंटरेस्टेड कि मैं इस गाउन वाले सूट को मुझे गिव अवे में रखना चाहिए या नहीं. सो येस, एंड प्लीज़ डोंट फर्गेट टू लाइक एंड शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स. सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में. थैंक यू, बाय बाय.